योगी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण का 60% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। निर्माण कार्य की तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगले साल यानी 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का जो है प्रतिष्ठा की जाएगी। इसका मतलब ये कि अगले साल मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपनी तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार होगा। मंदिर का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। अक्टूबर 2023 तक मंदिर में प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम जो है 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। मंदिर का लगभग 62% निर्माण कार्य अब तक पूरा कर लिया गया। मंदिर का काम 3 फेज में होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। वहीं गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम की मूर्ति 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच बालक स्वरूप में होगी। इसके साथ ही उस मूर्ति में उंगलियां कैसी हो, चेहरा कैसा हो, आंखें कैसी हो, इस बात पर देश के बड़े बड़े मूर्तिकार अभी से मंथन करने में जुट गए हैं। हालांकि ट्रस्ट के मुताबिक भगवान श्री राम की मूर्ति 8.5 फीट लंबी होगी, जिसको बनाने में 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। मंदिर के चारों ओर भगवान राम के जीवन के 100 प्रसंगों को पत्थरों में उकेरा जाएगा। एक प्रसंग जिस तरह पत्थर में तैयार होगा वो 6 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट मोटा होगा। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। काम प्रारंभ हो गया। तीर्थ यात्री सुविधा के पूरे के अतिरिक्त 5 मंडप और 3 मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है।